क्वाड का अर्थ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है। मूल तौर पर ये इंडो पैसिफिक स्तर पर काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार आसानी से हो सके, लेकिन अब ये व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सके। साल 2007 में एशिया प्रशांत महासागर में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो पड़ोसी देशों को धमकाने लगा था और समुद्र में सैन्य बेस लगातार बढ़ा रहा था। ये देखते हुए जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने एक ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया जिसमें इस सामुद्रिक क्षेत्र में आने वाले ताकतवर देश शामिल हो सके। आखिरकार संगठन बना, जिसकी पहली मीटिंग साल 2019 में हुई थी। इसके बाद कोरोना के कारण साल 2020 में नेताओं की मुलाकात बाधित हुई। क्वाड के तहत प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खुद जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो अबे ने इसे दो समुद्रों का मेल कहा था, लेकिन चीन इससे बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि इन ताकतवर देशों के पास आने से समुद्र में उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। बता दें कि चीन बीते दो दशक में लगातार समुद्र में अपना सैन्य बेस से लेकर व्यापार भी तेजी से बढ़ा रहा है। चीन ये समझ चुका है कि आने वाले समय में समुद्र पर राज करने वाला ही देश दुनिया पर राज करेगा। इसी खतरे को भांपते हुए क्वाड ने अपनी रणनीति में क्वाड देशों को समुद्रिक सहायता देने के अलावा समुद्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दी। चीन इस बात पर बौखलाया हुआ है। क्वाड की वजह से चीन के माथे पर सिलवटें रहती है। दरअसल चीन को लगता है कि क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ मिलकर किसी रणनीतिक साजिश को रच रहे हैं। चीन को ये भी लगता है कि क्वाड समुद्र में चीन के आसपास अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है और भविष्य में उसे टारगेट किया जा सकता है। आज की हमारी इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल।